नमस्कार, कैसे हैं फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज नंबर वन, महाराष्ट्र सदन में एनडीए सांसदों की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। काशी अवध क्षेत्र के सांसद शामिल होंगे, बड़ी खबर है। पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, यह भी जानकारी इस वक्त आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, नूह हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में अलर्ट है, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। नूह हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में अलर्ट, एडिशनल कमिश्नर ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं, पुलिस को जगह जगह ग्राउंड पर चेकिंग के निर्देश। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा हिंसा पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, यह फूट डालो राज करो की राजनीति का परिणाम है। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका ने लिखा, मोहब्बत की दुकान को बुलंद रखना होगा। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी का बयान, मोदी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उन्होंने कहा। तिवाड़ी ने कहा कि सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बड़ी खबर। हलफनामे में दोष सिद्ध पर रोक लगाने की मांग की है। राहुल ने कहा वो अपराध के दोषी नहीं है। छठी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ है। कर्नाटक मॉडल पर पूरे देश के लिए बनेगा नया मॉडल, सुरजेवाला ने कहा। सातवीं बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो है ज्ञानवापी सर्वे पर लेकर, कल ज्ञानवापी सर्वे पर कल आएगा फैसला। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी ने 20 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालयों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है, यूजीसी ने कहा है। 20 में से 8 फर्जी यूनिवर्सिटी दिल्ली में मौजूद हैं। और नौवीं बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला। 3 राज्यों ने 28% दर पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 3 महीने बाद जीएसटी काउंसिल दरों में की समीक्षा करेगी।